हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्यम में। मैं डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। आज हम बात करेंगे कि मंदाग्नि की स्थिति किस तरह से हमारे पाचन संस्थान के साथ साथ संपूर्ण शरीर में व्याधियों को जन्म देती है और कालांतर में ग्रहणी, अत्यधिक गैस बनना, IBS, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, आमवात और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानस व्याधियों को जन्म देती है। तो इन सबको जानने के लिए हमारे चैनल में इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लाभान्वित होइएगा। अग्निमांद। अग्निमांद का मतलब क्या होता है? भूख की कमी या जठराग्नि का कम होना। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार अग्निमांद यानी पुअर एपेटाइट की स्थिति उत्पन्न होती है और यह किस प्रकार से शरीर में व्याधियों को जन्म देती है। अष्टांग हृदय में कहा गया है, रोगा सर्वेपि मंदे अग्ने सुतराम उदराणि च, यानी पाचन संस्थान की जो सभी बीमारियां हैं वो बीमारियां मंदाग्नि से ही उत्पन्न होती हैं और शरीर में भांति भांति की व्याधियों को उत्पन्न करती है। आइए हम समझते हैं कि यह मंदाग्नि का मुख्य कारण क्या है। शमसन, विषमासन और अध्यसन। मित्रों, शमसन का मतलब होता है कि जो हितकर आहार है या जो अहितकर आहार है, यानी जो पथ्य है और जो अपथ्य है, उसको हम मिलाकर जब एक साथ भोजन करते हैं तो वो शमसन होता है। विषमासन का अर्थ होता है कि जो भोजन की सामान्य मात्रा है उससे कम मात्रा में या उससे अधिक मात्रा में हम भोजन करें, या जो निर्धारित समय है उस समय से बहुत पहले या बहुत बाद में जब हम भोजन करते हैं तो वह विषमासन की स्थिति होती है। अध्यसन का अर्थ होता है पहले से किया हुआ भोजन पूरी तरह से पचा न हो और उस स्थिति में पुनः भोजन कर लिया जाए, ये अध्यसन की स्थिति है। ये तीनों स्थितियां अग्निमांद को उत्पन्न करती हैं, यानी भूख को समाप्त कर देती हैं, आपकी जठराग्नि को मंद कर देती हैं, यानी लास ऑफ एपेटाइट डेवलप हो जाता है। इस अवस्था में भोजन का ठीक से पाचन नहीं होता, अजीर्ण की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में आम बनता है। आम एक आयुर्वेदिक शब्द है जिसका अर्थ होता है इनडाइजेस्टेड टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी जो अजीर्ण की स्थिति के बाद एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ बनता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, टॉक्सिक होता है। अब इसको आम को हम आम भाषा में या साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आम क्या होता है? जो इनडाइजेस्टेड या टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उसको दो भाग में बांट लेते हैं। एक आम अन्न यानी इनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी आंतों में रह जाता है और लास्ट में मल के रूप में बाहर निकलता है। दूसरा आम रस जो डाइजेस्टेड जूस है जो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हमारे पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो जो इनडाइजेस्टेड अन्न है वो हमारी आंतों में रह जाता है और चूँकि हमारे आंतों में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया इस इनडाइजेस्टेड फूड को फर्मेंट करते हैं, उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने के बाद उसमें सड़न उत्पन्न होती है और सड़न होने के बाद उसमें फाउल स्मेलिंग, बहुत सारे गैसेज उत्पन्न होती हैं जो हमारे पेट में डिस्टेंशन उत्पन्न करती है, यानी तनाव पैदा करती है। पेट का फूलना, बहुत ज़्यादा फ्लैटस का बनना, ढकारे आना, इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है और हमारे आंतों की गति को डिस्टर्ब करती है, यानी बाउल मूवमेंट को बढ़ा देती है या घटा भी देती है। अगर बाउल मूवमेंट बढ़ जाता है तो डायरिया उत्पन्न होने लगती है, लूज मोशन होने लगता है, और घटता है तो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, हाइपर एसिडिटी की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह से अल्टर्ड इंटेस्टाइनल पीएच, जो आंतों का एक पीएच होता है, एसिडिक और बेसिक जो कंडीशन होती है, यानी क्षारीयता, अम्लता की स्थिति होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, वोमिटिंग भी होती है, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति भी उत्पन्न होती है और पेट न साफ होने की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। और यह स्थिति अगर परमानेंट बनी रहे तो
बहुत सारी जो है पाचन संस्थान संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने की स्थिति में अत्यधिक ढकारे आना, हाइपर एसिडिटी, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा पुराना कब्ज होना, अत्यधिक गैस का बनना, आईबीएस या कोलाइटिस यानी ग्रहणी रोग, आईबीएस इरिटेटिंग बावल सिंड्रोम, कोलाइटिस की स्थिति, पाइल्स फिसर की स्थिति, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बनने की वजह से पाइल्स उत्पन्न हो जाता है, फिसर पैदा हो जाता है यानी कि गुदा मार्ग में घाव हो जाता है, और पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर की भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह आम अन्न की वजह से होता है। आम रस, इनडाइजेस्टेड टॉक्सिक जूस, जो दूसरा पार्ट है आम का, वह इनडाइजेस्टेड टॉक्सिक जूस जो बनता है, नॉर्मल पाचन की स्थिति में जो भी जूस बनता है डाइजेस्टिव जूस, वह ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरे टिश्यू तक जाता है और वह बेनिफिशियल होता है और बॉडी टिश्यू उसका मेटाबॉलिज्म में उपयोग करती हैं और बॉडी के ग्रोथ होता है। लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है उसका कम्बिनेशन कुछ डिफरेंस ही होता है, उसको बता पाना मुश्किल है कि वो किस किस फार्म में किस कम्बिनेशन में तैयार होता है। नॉर्मल स्थिति में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो निश्चित कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए उस तरह होते हैं और यूटिलाइज होते हैं, लेकिन इस आम की स्थिति में उनका कम्बिनेशन कुछ डिफरेंट हो जाता है जो बॉडी टिश्यू एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इस तरह एक डिफेक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक जूस डेवलप होता है और यह एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी टिश्यू तक जब पहुँचता है तो यह बॉडी टिश्यू के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होता और बिल्कुल टॉक्सिक सब्सटेंस या एंटीजीन एंटीटॉक्सिन जैसा बिहेव करता है। ऐसी स्थिति में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और हम माल न्यूट्रिशन के शिकार होने लगते हैं, बॉडी में मिनरल और विटामिन्स की डिफिशेंसी उत्पन्न होने लगती है, खून की कमी होने लगती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। यह स्थिति आगे चलकर और भयावह होने लगती है, शरीर में कैल्शियम की कमी होने से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है, हड्डियां गलने लगती हैं, यूरिक एसिड डिस्टर्ब होता है, इससे गाउट की स्थिति उत्पन्न होती है, थायराइड्स डिस्टर्बेंस आने लगता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आमबाज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और इस तरह हम बीमारियों से जूझते हुए, बीमारियों से ग्रसित रहते हुए धीरे धीरे मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुंचने लगते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी स्थिति होने लगती है और मानस रोग डेवलप होने लगता है। इस तरह हमने देखा कि मंदाग्नि की स्थिति हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।